हेलो गाइज, वेलकम बैक न्यू वीडियो। आज मैं बना रही हूँ मैक्रोनी पास्ता। सो गाइज, आप देख सकते हैं कि ये डोलची में रखा है और इसको मैंने बॉईल कर लिया है। तो इस तरीके से करेंगे। इसमें बॉइलिंग करते समय पानी में बॉईल करना है और इसमें नमक डाल देंगे, ऑयल डाल देंगे, फिर इसको पानी से सारा निकाल देंगे इसका। तो आप देख सकते हैं कि ये पानी इसका निकल गया है और ये अच्छे तरीके से सूख गया है। तो चलते हैं गाइज गैस की तरफ और बनाएंगे मैक्रोनी पास्ता। मैक्रोनी पास्ता बनाने के लिए गैस को ऑन करेंगे और ये नॉन स्टिक फ्लेम रखा है मैंने, इसको गर्म करेंगे। एक छोटा चमचा ऑयल डालेंगे, मैंने कड़वा तेल लिया है, तो गरम करेंगे। ऑयल गरम हो गया है, इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ लहसुन, बारीक कटा हुआ प्याज, बारीक कटी हुई हरी मिर्च, स्वाद अनुसार नमक, इसको चलाएंगे। गुलाबी होने तक का इंतजार करेंगे। तो गाइस, आप देख सकते हैं कि गुलाबी हो गया है। अब डालेंगे बारीक कटा हुआ टमाटर, टमाटर जब ये सॉफ्ट होने लगेगा तो इसमें डालेंगे लाल मिर्च पाउडर। ऑलरेडी मैंने हरी मिर्च डाल दी है, तो क्वांटिटी थोड़ी कम रखी है क्योंकि भाई पास्ता बनाने में गाइस कड़ू हो जाएगा तो बच्चों को पसंद नहीं आता है। धनिया पाउडर 1 टीस्पून, आधा टी स्पून से कम गरम मसाला, और ये जो मैंने बॉइल की थी रखी थी पास्ता बीच मैक्रोनी, वो इसमें ऐड कर दूंगी। गैस को लो फ्लेम पर कर देंगे। अब लेंगे चिली सॉस 1 चम्मच समथिंग, इसमें चिली सॉस डालेंगे। आधा कप पानी, विनेगर 1 चम्मच समथिंग, सोया सॉस, आमचूर पाउडर 1/2 टीस्पून, अब इसको चलाएंगे। फ्लेवर के लिए 1 चुटकी टर्मरिक पाउडर, इसको चलाएंगे। अब आप देख सकते हैं कि व्हाइट सॉस पास्ता जो मैक्रोनी पास्ता जो मैंने बनाया है, चटपटा मसालेदार बनके तैयार हो गया है। गैस को ऑफ कर देंगे और उसका सर्व कर लेंगे। अगर बच्चों को पसंद है गाइस तो इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी डाल सकते हैं। तो गाइस, मैंने हरा धनिया का इस्तेमाल नहीं किया है इसमें। तो गाइस, आप देख सकते हैं कि चटपटा मसालेदार बन के तैयार हुआ है। जल्दी जल्दी सर्व कर लेती हूँ। तो गाइस, ये रहा व्हाइट चॉकलेट पास्ता, नहीं तो पास्ता बन के तैयार हो गया है मैक्रोनी विद पास्ता। तो गाइस, आपको इसकी वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और टमाटो सॉस, चिली सॉस जो भी अवेलेबल हो आपके पास, बच्चों को पसंद हो तो से दीजिएगा। और मैंने तो इसमें चिली सॉस पहले ही डाल दी है। और इस तरीके से आप बनाइएगा और झटपट बना के बच्चों को खिलाइएगा। तो गाइस, आपको मेरी वीडियो रेसिपी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते चलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू भाई। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।